ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है महानदी और इसके किनारे पर स्थित है बिनिका शहर। इस नदी के किनारे पर स्थित होने से बिनिका शहर गर्वित है, मगर अभी महानदी अपनी अस्तित्व को लेकर चिंतित है। पड़ोसी राज्य में बार बार बंद निर्माण द्वारा पानी कम होता जा रहा है। इस वक्त कुछ असामाजिक व्यक्तियों के आशालीन कार्य को लेकर लगता है कि महानदी जैसे रो रही है। उसके गर्भ में रहे विभिन्न जीव जंतु मृत शरीर 100-100 की संख्या में तैर रहे और नदी का किनारा बदबूदार हो गया है। पिछले 3 महीनों से कुछ असामाजिक व्यक्ति विस्फोटक से मछली मारना और एक रोज के अभ्यास में बदल दिया है। विस्फोटक द्वारा आधे से अधिक मछली को वो पकड़ नहीं पाते, जो कि बाद में नदी के पानी में ही पड़े रहकर सड़ने की कारण पानी को जहरीला बना देती है। प्रॉन पकड़ने के लिए भी नदी में कीटनाशक प्रयोग किया जा रहा है। विस्फोरण द्वारा किनारे पर स्थित घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और अधिक गंभीर बात यह है कि बिनिका और चढ़ाईपे के बीच रही महानदी पुल भी अब सवाल के कटघरे में खड़ा हो गया है। कुछ सरकारी साहबों की नजर खींचने की कोशिश करने के बावजूद भी इस उच्च पदवी पर बैठे साहबों को बस देखकर शक होता है। बिनिका के कुछ जागरूक नागरिक इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। बस देखना बाकी ये है कि आखिर प्रशासन नींद से कब जागता है। हमें तो मॉर्निंग वॉक आसवाटा एटा 4-5 वर्ष हेला नड़की आसुच्छ नित्यदिन सकाळु आसुच्छु आउ आम देखुचु जे डेली नदी में हजार हजार ब्लास्टिंग होद्वारा बहुत माछ तो मरी जाऊा दूसरा कथा आउ अन्य मैंने जीव जंतु भी जेटा सभी अच्छा से मैंने भी बहुत मरी जाऊन तापर पा तो प्रदूषण होचे। पा प्रदूषण होबार द्वारा लोक मैंने बहुत जो से पानी के यूज करके एफेक्टेड होचन आउ जेन ब्लास्टिंग होद्वारा पाखे पाखे जेन घर मान अच्छे से बहुत क्रैक हो जाऊे आउ जेन आम जेन ब्रिज तमें बिनका उपरे जेन महानदी उपरे जेन ब्रिज होचे सेटा भी बहुत एफेक्टेड हबार लगी तमें हबा बोलिकी भावुचु आम से आम सरकार के तमें दाबी जनाऊ जे जल्दी तार उपरे किसी पदक्षेप ने ना भल हेता बोलिकी भावुचु आम इटा आमर बिनकावासी पूरा तमें दाबी आम आज्ञा एठन दीर्घ 4-5 वर्ष हरण आसुचु आ ब्लास्टिंगटा प्राय 3-4 मास कंटिन्यूस होउजी आउ ए दाबी पत्र तहसीलदार को दिया हेतला जे ब्लास्टिंग काहेकि होउजी बोली कि पचरा हेतला लेकिन तहसीलदार किछु सुनु नांदी आ बिनकारे कंटिन्यूसली ब्लास्टिंग चालीजी जोंतले कि नदी रे थिबा माछ अन्य जंतु गुडाक मरि जाउजंती आर पाखरे थिबार घर गुडाक भी एफेक्टेबल होउजी आर एबे COVID-19 टाइम रे एमिति प्रदूषण हबा जेटा तमें लज्जाजनक आटा तो एबे लोक आपको भी विपद दिशुच लेकिन कहीं प्रशासन ये शुणु ना कि करूना आ्रिजटा भी कि एफेक्टेबल होटा कि गोटे बिनका गोटे गौरव जिनिसटा क्षति करुच्ची। मारवाड़ी धर्मशाला बरपाली मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा संचालित बरपाली मो परिवार तथा जीवन बंधु की तरफ से एक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। बीजपुर के MLA श्रीमती रीता साहू के द्वारा इस शिविर का उद्घाटन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सेक्रेटरी कान्हा अग्रवाल, कैशियर पंकज अग्रवाल, पूर्व सभापति किशन अग्रवाल, सभ्यगण गोविंद, बजरंग, अनिल, मुकेश तथा रमेश सभी उपस्थित थे। BJD से युवा नेता सौरभ साहू, दामोदर पंडा, कैलाश महाना, प्रद्युमन त्रिपाठी आदि सभी ने टिकेट महाता, नगर सभापति राकेश प्रधान, नगर उप सभापति किशन अग्रवाल तथा मनोज मेहर आदि प्रमुख रूप से शामिल थे और उक्त शिविर में इन्होंने 51 यूनिट का रक्तदान किया। R9 भारत के लिए बाल गोपाल भुक्ता की रिपोर्ट।